पाकिस्तान की संसद में तब हंगामा मच गया जब इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉज के अंदर एक ऑपरेशन के तहत जेयूआई एफएमएनए सलाउद्दीन अयूबी और मौलाना जमाल उद्दीन सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पार्लियामेंट लॉज में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के वर्दीधारी स्वयंसेवी बल अंसारुल इस्लाम के सदस्यों की घुसपैठ के बाद ये कार्रवाई की। इस्लामाबाद के आईजीपी मोहम्मद एहसान यूनुस ने लॉज के अंदर कार्रवाई का बचाव किया है। इस ऑपरेशन की अगुवाई खुद आईजीपी इस्लामाबाद ने की। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं। गुरुवार को मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के एक सांसद की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री शेख राशिद ने आरोप लगाया कि जमीयत उलेमा इस्लाम ने जानबूझकर पार्लियामेंट लॉज में अंसारुल इस्लाम के मेंबर्स की घुसपैठ करवाई थी। उन्होंने कहा कि ये लोग लॉज के अंदर छिपे हुए थे, हम चाहते थे कि मामले को शांति से सुलझाया जाए, लेकिन उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पीटा और बंद कर दिया। उन्होंने अंसारुल इस्लाम के मेंबर्स को हमें नहीं सौंपा। शेख रशीद ने कहा, हम इन जैसे दूसरों को संसद में एंट्री करने से रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को इस विचार को खारिज किया कि देश की सेना विपक्ष का समर्थन कर रही है। चौधरी ने दावा किया कि आर्म्ड फोर्सेज पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के साथ खड़ी हैं। चौधरी ने मीडिया से ये बात कही। उनका ये बयान खान को पद से हटाने के लिए नेशनल असेंबली में विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कुछ दिन बाद आया है। चौधरी से पूछा गया था कि क्या खान को हटाने का दबाव बना रहे विपक्षी दलों को सेना का समर्थन हासिल है। उन्होंने इस पर कहा, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सेना सरकार के साथ खड़ी रहती है, सेना को संविधान का पालन करना होता है और ये संविधान का पालन करती रहेगी। पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में आधे से ज़्यादा वक्त तक देश पर शासन करने वाली सेना सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में काफ़ी हावी रही है। खान गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और यदि गठबंधन में शामिल कुछ दल उन्हें हटाने का फैसला करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पाकिस्तान के संसदीय लोकतंत्र में यह असामान्य बात नहीं है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें करियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। GKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 01912583256। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।